इसको चाहिए तुमको एक शर्ट पसंद। हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? उम्मीद करते हो आप लोग सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो ये था ना बिहू का बर्थडे वाला शॉपिंग, मतलब बहन को बर्थडे के लिए ना मैंने बहुत सारा ड्रेसेस ऑर्डर किए थे ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी कुछ कुछ ड्रेसेस लेना था। इसीलिए सडनली बैंगलोर का वेदर हो गया ऐसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है और कंटिन्यूसली रेन हो रहा है। तो बिहू के लिए ना थोड़ा फुल स्लीव क्लॉथ हम लोग लेने आए, क्योंकि उसका जो पहले का क्लॉथ है ना वो सब छोटा हो गया, और इधर खुद ही वो अपना ड्रेस खुद चूज कर लिया। तो ये कुछ क्लॉथ मैंने लिया विच इज लुक वेरी नाइस। हाँ बिहू बोलो। तो क्या हुआ था ना, मैंने ऑलरेडी बिहू के लिए कुछ कपड़ा लेके आई थी, बट साइज में दैट वाज लाइक प्रिटी बिग। तो बाबा ने बोला कि इतना बड़ा कपड़ा ज़रूरत नहीं है, चेंज करके हम लोग कुछ दूसरा कपड़ा लेते सो दैट वो ना पहन सकते, नहीं तो ज़्यादा बड़ा कपड़ा रहने से वो बॉडी में फिट नहीं आता और वो अच्छा लुक भी नहीं देता। बिहू जो पहना हुआ ये जो कोट सेट है ना, ये मैंने अमेजन से ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद समहाउ बट हम दोनों का कपड़ों के साथ भी वो मैच हुआ। फिलहाल मेरा वाला वो हुडी नहीं मिल रहा, इसने बाबा ने अपना पहन लिया और मैं नहीं पहन पाया। शॉपिंग करते करते लग गए थे बहुत ज़्यादा भूख, और हम लोग चले गए थे नियर बाय मैकडोनल्ड्स में, उधर जाके थोड़ा बर्गर खा लिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। और बिहू के लिए मैं लेके गई थी एक इडली, समहाउ बिहू ने वो इडली गिरा दिया और वो अच्छे से बैठ जाते उधर जाके हाई चेयर पे, बट घर पे हाई चेयर पे वो बैठना बिल्कुल ही नहीं पसंद करते, मतलब उसको लगता है कि हम लोग उसको बांध के रखा। इधर बिहू का खाना पीना हो चुका है डन, उसको क्लीन करा दे रहा है और मैं उसको दे रही हूँ पानी। अभी मेरा बैग में मेरा सामान से ज़्यादा बिहू का सामान रहता है, उसका डाइपर, उसका वाटर बॉटल, मतलब यही सब में ही मेरा बैग भर जाता है। घर आते आते हम लोग लग गए बर्थडे का सेलिब्रेशन के घर सजाने के लिए। तो सबसे पहले बाबन ने वॉल को डेकोरेट किया, उसके बाद पूरा क्लीन करके हम लोग सजाएंगे घर, और इधर बिहू भी हेल्प कर रहे हैं अपना बर्थडे का डेकोरेशन करने के लिए। घर में कुछ भी काम हो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अभी बिहू ही होता है। अभी तो बाबा ना कुछ काम कर रहे और बिहू इधर ट्राई कर रहे उसको पापा को हेल्प करने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। और मीनवाइल मैं कर लेती हूँ अनबॉक्स थी, मेरा आया था मिंत्रा से एक पर्सल, एक्चुअली बहुत दिन में ही आ गया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला उसको मैं ओपन करके देखूँ कैसे आए। तो मैंने मंगाई थी एक पिंक कलर का बहुत ही प्यारा सूट, मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरा वार्डरोब में एक भी पिंक कलर का कुछ भी ड्रेसेस नहीं है, तो मैंने इसको देखा, मैं बहुत दिन से इस ड्रेस को स्टॉक कर रही थी मिंत्रा में, और देखा सबसे ज़्यादा प्राइस लो हो और मैंने पटाख से बुक कर लिए। मैंने मंगाई एक्सेल साइज, हालांकि लार्ज हो जाता है बट एक्सेल आई विल बी मोर कम्फर्टेबल। इसका दुपट्टा देखो कितना प्यारा है, और बॉर्डर में भी ना सेम पैटर्न बना हुआ है विच इज लुक मोर गुड। और ये सॉफ्ट मटेरियल है, मतलब ये जो शिफॉन है ना बहुत सॉफ्ट है, और मुझे अच्छा लग रहा था कितना, मतलब वाइट कलर के साथ भी ये बहुत अच्छा जच रहा है। और ये था जो कुर्ती, उसका भी बहुत अच्छा, मैं पहन के भी देखा बाद में, उस दिन तो टाइम नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट डे पहनी थी, और नेक्स्ट डे मैं पहनूंगी, इसका फ़ोटो मैं अपलोड कर दूंगी, इवन मेरा इंस्टाग्राम पे भी अपलोड हो जाएगा। और इधर देखो बिहू का बर्थडे का सारा प्रिपरेशन हो चुका है, एक साल हो गया बिहान का, देखते देखते मालूम ही नहीं पड़ा, और कुछ दिन पहले ही हम लोग हॉस्पिटल से आए, अभी वो खुद से चलने भी लगे हैं, मतलब नॉट टू मच लाइक वन और टू स्टेप। और इधर बिहू को लग गया था भूख, मैंने उसको एक डोसा बना के दिया, और बिहू ना ट्राई करते हैं खुद अपने आप खाने के लिए, और उसको ये आदत मैं दिला रही हूँ सो दैट हमेशा बच्चों को फीड कराने का ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से खाने लगे। इधर बबन कर रहे अपना काम, बिहू खा रहे अपना खाना, मीनवाइल मैं अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, और सबको सजाने के बाद ना घर बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल लग रहा है। ये हार्ट शेप वाला जो बिहू का फोटोज़ है ना, ये बिहू का पीपी ने बिहू को गिफ्ट किया था जब हम लोग उड़ीसा गए थे, और इसी को देख के भी ये वॉल काफ़ी प्रिटी लग रहा है। ऐसे तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं किए थोड़ा बहुत, और इधर बिहू का एक नया ड्रेस बिहू का सुनीता आंटी ने गिफ्ट किया, और उसी को पहना के वो चल रहा है, और ये वीडियो भी कितना प्यारा है। बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, बाय बाय।